रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई विल टीच मैथमेटिक्स ऑफ क्लास मैट्रिक। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन 7.1 एंड 7.2। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 7.3। स्टूडेंट, अब मैं आपको इसमें 7.3 आपका मल्टीप्लिकेशन है। आपने 7.1 और 7.2 में आपने ऑर्डर निकालना और प्लस और माइनस की मैट्रिक्स जो है वो सीख लिया होगा। अब मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ। लुक एट हियर नाउ द पेज नंबर 167 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा स्टूडेंट, वैसे इस तरह तो हम जब आप लोगों को जब मैंने एडिशन बताई थी तो ऑर्डर के लिए हमने फार्मूला लगाया था आर इंटू सी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम पहले सबसे पहले हम कॉलम काउंट करते हैं। अगर कॉलम हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम चेक करते हैं पहले, और सेकंड जो मैट्रिक्स होता है उसकी हम रॉ चेक करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द रॉ ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स ऑन द राइट। यानी कि जो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड पे है उसके आप कॉलम चेक करेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे है उसके आप रॉस चेक करेंगे। ये सबसे पहले आप चेक करेंगे, सिर्फ इसका ऑर्डर जो है वो इस तरह से निकालेंगे कि अगर हमारे पास कॉलम और रॉ जो है वो कंप्लीट है तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। इसमें मैं ये बताने का मकसद ये है कि सिर्फ इसमें थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाती है कि इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, इसमें अगर आप देख लिए कि एग्जाम्पल वन में देखिए 3 और 2, ठीक है। अब आप अगर इसका ऑर्डर चेक करेंगे 3 और 2, तो आपका इसके अगर आप कॉलम काउंट करेंगे तो बेटा ये एक 3 का कॉलम हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2 का कॉलम, यानी कि ये 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कॉलम पहले चेक करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो 2 रॉ है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम इन ए, द नंबर ऑफ रॉ इन बी। अब बी और ए आपको दिया हुआ है, दो आपको इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले आप नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ए में अगर आप नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ रॉ इन बी, अब बी में अगर आप देखेंगे, मैंने इसका खाली आपको ये एक सिंगल का बता दिया था, ठीक है, कि कॉलम और रॉ किस तरह चेक। अब ये दो हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो अब आप इसकी जब रॉ चेक करेंगे तो इसकी भी 2 हो जाएंगी, ठीक है। प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एंड इट इज ऑब्टेन एज फॉलो। ये आपका जो है इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया। अब किस तरह किया ये आप देख लें, ए बी को अगर आपने यहाँ पर लिखा ये 1, 3, ठीक है। तो आपने आपको क्या कहते हैं, पहले तो इसके आपने कॉलम चेक कर दिए, ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। कॉलम और रॉ जो वो इक्वल हो जाएगी। अगर आप कॉलम चेक करेंगे बेटा तो इस तरह से 1 कॉलम 2 कॉलम, रॉ 1 रॉ 2 रॉ, ठीक है। ऑर्डर में हम किस तरह से करते हैं कि हम पहले रॉ लिखते हैं फिर हम कॉलम लिखते हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए आप पहले कॉलम लिखेंगे नहीं, लेकिन आप इसको देखेंगे कि कॉलम और रॉ जो है वो इक्वल है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन जो है फर्दर आप उसको करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है कि फर्स्ट रॉ, अब हमने तो इसका कॉलम ही नहीं देखे, नहीं हमारे पास रॉ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, या अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने प्लस का साइन डाला, यानी कि 3 को 1 से किया, प्लस का साइन डाला, फिर आपने 2 को 5 से कर दिया, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन, सिंस ए बी इक्वल टू सी एस मैंशन अर्लियर, ठीक है, ये आपने इसको मैंशन कर दिया। अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 5 = 10, तो ये मेरे पास इसका आ गया 13, सही है। अब आपका ऑर्डर क्या आ गया कॉलम का 13 का 1 × 1, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको, ये मेरे पास सी का आंसर आया, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 कॉलम हो जाएगा और 1 रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप 2 का देखेंगे तो इसका भी ऑर्डर, अगर आप नंबर ऑफ कॉलम इन ए कॉलम में अगर आप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड हो गया, 2 हो गया। अब आप नंबर ऑफ रॉ इन बी, बी में देखेंगे तो 2 रॉ हो गई। ए बी इज़ रिफाइंड और ए बी आर
कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। किस तरह कन्फर्म हो गया कि पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने कॉलम काउंट कर ली है, सेकंड मैट्रिक्स में से आपने रॉ काउंट करनी, लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप इसको रॉ ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम मैं अभी आपको इसको क्या कहते हैं, सिमिलरली स्टूडेंट आप अगर यहाँ पे देखें, ये देखिए ये दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, फर्स्ट रॉ ऑफ ए, ठीक है, फर्स्ट रॉ आपकी ये हो गई ए की। यहाँ पे मैं ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि ये हो गई आपकी फर्स्ट रॉ, इसको आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, इस कॉलम से, ये फर्स्ट रॉ इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होती है। और इसको करने के बाद जो है आप इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट स्टूडेंट ये देखिए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7.3 एक्सरसाइज, कंप्लीट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। आपको इसको क्या कहते हैं सॉल्व करना है, अगर ये पॉसिबल है, यानी कि आपको इसकी रॉ और कॉलम पहले चेक करना है, पहले आप कॉलम चेक करेंगे फिर आप इसकी रॉ चेक करेंगे। अगर आप इसमें देखें फर्स्ट वाले में हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है कि आपको पहले इसका कॉलम चेक करना पड़ेगा, अगर आप इसका कॉलम चेक करेंगे तो वन टू टू कॉलम होगा। देखिए आप यूँ करेंगे ना, हमेशा कॉलम जो हैं वो वर्टिकल में चेक किए जाते हैं, रॉ जो हैं वो हॉरिजॉन्टल में चेक की जाती हैं, ठीक है। तो इसका टू कॉलम होगा और आप यहाँ पे देखें रॉ कितनी है, वन टू, इट मीन्स टू रॉ टू कॉलम टू रॉ, सही है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो कन्फर्म हो गई, यानी कि कन्फर्म है और ये पॉसिबल हो गई कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा इसका मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, मैट्रिक्स आपके पास एक गिवन है मेरे पास 2 और 3, ठीक है। इसका फिर दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 5 और 6, सही। अब पहले आप इसके अगर आप कॉलम चेक करेंगे स्टूडेंट, मैंने आपको कहा मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले हम कॉलम चेक करते हैं, यानी कि ये आपके पास हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपके पास सेकंड कॉलम, तो यानी कि आपके पास कॉलम जो है आपके पास कॉलम की कितने हो गए, आपके पास कॉलम की तादाद कॉलम आपके पास हो गए 2, ठीक है स्टूडेंट। अब आप सेकंड में आप रॉ कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रॉ हो गई, ये आपके पास सेकंड रॉ हो गई, ठीक है, यानी कि आपके पास रॉ भी कितनी हो गई है, रॉज आपके पास 2 हो गई, सही है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है 2 रॉ है, ठीक है। अब वही मेथड अप्लाई करेंगे, इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला वाला जो क्या कहते हैं नंबर है 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है, 2 इंटू 5, फर्स्ट नंबर आपने फर्स्ट से कर दिया, प्लस अब ये 3 है, ये 3 मेरे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 6, ये आपके पास पूरा मैट्रिक्स हो गया, सही है स्टूडेंट। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 2 5 आपके पास हो गया 10, ठीक है, 3 6 18। अब आप इसको प्लस कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 28, ये आपका हो गया आंसर, यानी कि इसकी जो मल्टीप्लीकेशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास पॉसिबल थी बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम पहले आप चेक करेंगे, मेथड वही होगा कि रॉ को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप कंसीडर पहले कॉलम को करेंगे और फिर रॉ को करेंगे, फिर आप उसका मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट आप इसका ज़रा सेकंड क्वेश्चन में देखती हूँ कि इसका क्या है, नंबर 2 में आपका हैगा क्वेश्चन मेरे पास है 2 और 3 है, एक मैट्रिक्स 2 और 3 का है, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका 5 और 6 का है, ठीक है। तो मेथड इसका वही होगा कि पहले आप जो है कॉलम लिखेंगे, ठीक है,
सी स्टैंड फॉर कॉलम, यानी यहाँ पे सी ऊपर पूरा कॉलम लिख दिया, सी स्टैंड फॉर कॉलम। अच्छा, इसका अगर आप कॉलम चेक करेंगे स्टूडेंट तो ये देखिए, ये मेरे पास आ गया वन कॉलम। ठीक है, पहले हम कॉलम चेक करेंगे, ये आ गया वन कॉलम। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका आप रॉ चेक करेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट रॉ हो गई और ये मेरे पास हो गई सेकेंड रॉ। इट मीन्स रॉ हमारे पास क्या है, रॉस हमारे पास हो गई टू के इक्वल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास कॉलम वन है, रॉ टू है, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसको आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो पॉसिबल होगी तो उसको आप सॉल्व करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, कॉलम नहीं है आपके पास पूरे और रॉ आपके अलग है, तो वो पॉसिबल नहीं होगी, तो आप इसको लिख देंगे नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर 3 भी मेरे पास है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 और 3, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं मैट्रिक्स के नंबर। और नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है 5 और 6। अगर आप बाहर देखें तो ये आपको जो है एक जैसे दिख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्वल लग रहे हैं आपको। ठीक है ना, लेकिन पहले आप इसका क्या करेंगे, पहले आप इसके कॉलम निकालेंगे। कॉलम जब आप इसका निकालेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वहाँ ये वाला है। ठीक है, ये कॉलम हो गया वन कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। इट मीन्स कॉलम जो है हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब आप रॉ देखिए, तो रॉ तो इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल में, तो रॉ हमारे पास क्या है, रॉ हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 2 is not equal to 1। ठीक है, यानी कि 2 जो है 1 के बराबर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लिखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप 4 देख रहे हैं, तो 4 अगर मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैट्रिक है 5 6 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स आपका है 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसमें भी आप देखें तो आपके पास इसका अगर आप जब सॉल्यूशन लिखेंगी तो आपका कॉलम 1 है। ठीक है ना, ये आ गया आपका C1। ठीक है, सी स्टैंड फॉर कॉलम। रॉ देखेंगी आप तो रॉ भी 1 है। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि 1 equal to 1। ठीक है ना, 1 कॉलम है, 1 रॉ है, तो अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इसको रॉ कंसीडर करेंगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने पहले मेरे पास है 5। ठीक है, 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, अब एक ही एलिमेंट है तो इसमें प्लस का साइन नहीं आएगा। ये आ गया 5 into 2 और 5 into 3। इसको आपने इससे भी करेंगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट रॉ अगर आप कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम और नेक्स्ट कॉलम 5 into 3। ठीक है, अब आप 6 को करेंगे, 6 into 2 और 6 into 3। अब इसको मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको आगे यहीं पे प्रोसीड कर देती हूँ। मल्टीप्लाई कर लें इसको, 5 2 ज़ा 10, इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, 5 3 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12,
सिक्स थ्री ज़ा 18। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से सॉल्व हो। इसके लिए स्टूडेंट हम एक फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं, तो हम पहले एक फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट रॉ इनटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आ गया आपका, अब आपके पास इसी में ही आएगा आगे, फर्स्ट रॉ इंटू सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये ब्रैकेट के रोज हो गया। ठीक है, फर्स्ट रॉ इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ इंटू सेकेंड कॉलम, यानी कि रॉ जो है फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसका सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड रॉ इंटू सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है इस तरह से लिखा हुआ, ताकि आपको आसानी से आप जो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें स्टूडेंट, क्योंकि उसके एलिमेंट थोड़े से बड़े हैं, तो ज़रा देखते हैं 1 एंड 2। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। 3 7 2 8। ठीक है, अगर आप इसका कॉलम कंसीडर करेंगे, सी इक्वल टू 1 कॉलम है इसका। ठीक है भाई, कॉलम इक्वल टू 1। अब आप इसकी रॉ चेक करेंगे, ये हो जाएंगे 2 रॉस, 1 एक ये रॉ हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, इसकी रॉ हो गई 2, यानी कि आपके पास जो है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यही होगा ना, 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। इनका तो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ये आंसर है। अच्छा, इसको अगर आप 6 देखेंगे तो 6 में जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो मैं अभी आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है, एक मैट्रिक्स मेरे पास है 3 एंड 7 2 एंड 8। इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है 1 एंड 2। ठीक है, अब बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो इसकी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले इसके कॉलम कंसीडर करने। अगर आप इसके कॉलम कंसीडर करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो हो जाएंगे 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। ठीक है, कॉलम 2 हो गए। अब आप इसकी रॉ कंसीडर करेंगे, तो ये एक रॉ तो आपकी ये हो गई 1 रॉ, और एक रॉ आपकी ये वाली हो गई 2 रॉ, यानी कि 2 रॉ 2 कॉलम। इट मीन्स आपकी 2 इक्वल टू 2, ये हमारे पास अब पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास पॉसिबल, अब जब ये पॉसिबल हो गई तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं बता देती हूँ। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रॉ में जब 2 एलिमेंट है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। इसका क्या मतलब हो गया, 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2। 3 को आपने किया 3 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट में आप आ जाए नीचे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस 8 इंटू 2। इसको आप मज़ीद सॉल्व होगा, ये मेरे पास 3 1 3 हो गया। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, हो जाएगा 3, प्लस का साइन मिड में आ जाएगा, 2 2 4। ठीक है, 7 1 7, ये प्लस का साइन आ गया, 2 8 16, सही। अब ये मज़ीद सॉल्व होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7 और 16, ये होगा 23। अब अगर आप इसका लास्ट में, अगर आप इसका
क्या कहते हैं देख लें इस क्वेश्चन को कि हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। इसमें हम इतने ज़्यादा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको मैं इसमें भी बता देती हूँ कि 7 क्वेश्चन देख लें आप। एक आपका मैट्रिक्स है 3, 4, 2, 1, नेक्स्ट मैट्रिक्स 0, 1, 1, 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके कॉलम चेक करें, पहले कॉलम चेक करें तो 1 एंड 2, ठीक है। रॉ चेक करें 1 एंड 2, इट मीन्स इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, सही। अब हमने क्या किया, हमने पहले 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन डाला, फिर 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी तरह से हमने इस फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, ये मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखा है। 3 को आपने 1 से किया, ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम पे आ गया। प्लस 2 इंटू 0, फिर आपने मजीद 4 को किया, 4 इंटू 0, ये वाला 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब फिर 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें, जब आपने अच्छा इसमें एक जो है ये देख लें, 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 2, 1, 2, ठीक है। ये वाली लाइन है जो सॉल्व की गई है। अब नेक्स्ट आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 2 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 4 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 1 को 1 से किया, 1 आ गया, फिर 4 को आपने 1 से किया, 4 आ गया, 1 को आपने 0 से किया, 0 आ गया। मजीद आप इसको सॉल्व कर लें, ये 2 हो गया प्लस किया तो 3 में 0 प्लस किया 3 हो गया, 1 में आपने 4 प्लस किया, 1 में आपने 0 प्लस किया 1 आ गया, 4 में 0 प्लस किया 4 आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें इसका नेक्स्ट भी मैं आपको 8 वाला भी दिखा देती हूँ, इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। इसमें भी इसी तरह से होगा कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बस इसमें माइनस का साइन है, तो वो आप ब्रैकेट कर दिएगा ताकि जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो सही आंसर आ जाए। इसको अच्छे से आप देख लें। 9 वाला भी देख लें स्टूडेंट, ये मेरे पास 9 जो क्वेश्चन है, ये मेरे पास 3 है, क्या कहते हैं, बाहर है ये ब्रैकेट के ना, तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है इंडिविजुअली, ठीक है। ये 3 पहले आप 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को आप 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को आप 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 10 है, तो 10 पहले 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10.6 से भी होगा, 10 जो है 0.9 से ही मल्टीप्लाई होगा, 10 जो है 0.3 से ही मल्टीप्लाई होगा। इसे आप, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से देख लें ताकि आपकी जो है पूरा समझ में आ जाए कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है मल्टीप्लाई करना है तो इंडिविजुअली आपको हर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।